एक्टिविटी या क्रियाकलाप का नाम है प्रेमचंद का जीवन परिचय व उनका साहित्यिक महत्व, जिसमें अलग अलग बच्चे आपको अलग अलग तरीके से प्रेमचंद के महत्व से परिचित करवाएंगे। अब प्रेमचंद के महत्व से परिचित होने के लिए सबसे पहले दृष्टि आप बताएं। ओके मैम, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमी नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था। उनके पिता मुंशी अजयलाल डाक मुंशी थे। उनकी माता आनंदी देवी सुंदर सुशील और घरेलू महिला थी। गरीबी से लड़ते हुए उन्होंने मैट्रिक पास किया। एक स्थानीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं या अभी डिस्कस किया है दृष्टि ने कि कितनी मेहनत के बाद वो आगे बढ़े। अब उनकी एक महत्वपूर्ण रचना के बारे में अदिति आपको बताएंगी। अदिति, जी अध्यापिका जी, प्रेमचंद आधुनिक भारत के श्रेष्ठ एवं कालजयी साहित्यकारों में से एक हैं। भारतीय ही नहीं, संपूर्ण विश्व साहित्य में उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। यह देश के इतिहास का वह कालखंड था जब देश अंग्रेजों के दमन, शोषण एवं ईसाई धर्म संस्कृति के प्रचार के विरुद्ध पुनर्जागरण की देशव्यापी लहर से आंदोलित हो रहा था। मुंशी प्रेमचंद्र जी को अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी भी हासिल हुई थी। इन्होंने 15 उपन्यास और 300 से भी अधिक कहानियां, जैसे पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी आदि कहानियां लिखी थी। सबसे पहले कि अदिति ने आपको ये बताया कि ये वह कालखंड था, वह समय था जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो आजादी का प्रभाव रचनाकारों की रचनाओं में भी दिखता है।